गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम रेड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत नगर पालिका जो है क्या है, किस तरह से इसका ओरिजिन एक्सप्लेन, किस तरह से इसका इतिहास हम कह सकते हैं वह रहा, उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जा चुका है। और नगर पालिका किस श्रेणियों के अंतर्गत उसका जो स्थान है और उसके हाँ कितनी जनसंख्या के ऊपर उस नगर पालिका का गठन किया जाता है, तो ये सब वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। और नाउ आज के वीडियो में हम जो नगर पालिका है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसके निर्वाचन हेतु जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या है, और नगर पालिका क्या क्या काम करती है अपने नगर अपने एरिया के अंदर, और उसकी स्टडी करते हैं। नाउ नगर पालिका का निर्वाचन, नगर पालिका का जो निर्वाचन है बेसिकली इसके अंतर्गत जो निर्वाचन होता है, आज हम उसे कुछ बिंदुओं के आधार पर देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब नगर पालिका का जो निर्वाचन है सबसे पहले वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर पर जो नगर पालिका का निर्वाचन किया जाता है, इसमें संपूर्ण नगर को वार्ड में विभक्त कर किया जाता है, संपूर्ण नगर को वार्ड में विभक्त, सबसे पहले तो वार्ड में बांटा जाता है, और इसके पश्चात उन वार्ड में से सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों का चयन किया जाता है, ठीक है, और कितने सदस्य उस वार्ड में से लिए जाएंगे इसका भी निर्धारण इसी के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि ये जो निर्णय है, ये इसका नगर पालिका का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, नगर पालिका के निर्णय लिए जाते हैं, बाकी इसके निर्णय राज्य सरकार के अलावा कोई नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसके अंतर्गत इसमें गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इसका इलेक्शन होता है, गुप्त प्रणाली द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, द्वारा इसका इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है इसके अंतर्गत
अधिक मत होते हैं उसी का ही चयन किया जाता है। तो ये नगर पालिका के अभी हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं, आप सभी ने अपने अपने एरिया की जो नगर पालिका है उसके इलेक्शन के बारे में भी बहुत सारे न्यूज पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, जो लोकल टीवी चैनल्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें इसी प्रक्रिया के आधार पर ही इलेक्शन हुए हैं। और उसमें जिस मतदाता मतदाताओं ने जिस प्रत्याशी को या उम्मीदवार को सबसे अधिक मत दिए हैं वही जीतता है, या कह सकते हैं हम उस वार्ड में वो व्यक्ति उस वार्ड का वार्डन बनता है, या उसका उसके द्वारा उसका इलेक्शन वार्ड के द्वारा ही उसका किया जाता है। तो इस प्रकार से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा और जो भी निर्णय है वो राज्य सरकार ही लेगी और संपूर्ण जो नगर है उसको वार्ड में विभक्त करके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये ही नगर पालिका के निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब हम इसमें नगर पालिका के जो पागल
दिवालिया तथा अपराधी यानी कोई भी क्रिमिनल केस इसमें नहीं चलना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये नगर पालिका के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वह नगर का निवासी हो, यानी जिस नगर में व्यक्ति रहता है उस नगर का उसे निवासी होना अनिवार्य है, और उसका जो मतदान सूची होती है वोटर लिस्ट उसके अंदर भी उसका नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब वह उस नगर राज्य का निवासी नहीं है। फिर उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक से कम ना हो, सॉरी इसमें अधिक लिख दिया गया था, तो इसमें उसकी उम्र व्यक्ति की 18 वर्ष से कम ना हो, क्योंकि 18 वर्ष का है कि व्यक्ति वोट दे सकता है। संविधान द्वारा अपने अभिव्यक्ति का अपने सारे अधिकार 18 वर्ष की उम्र से ही दिए गए हैं। फिर उसमें पढ़ने लिखने संबंधी योग्यताएं हो, ताकि नगर के संबंध में जो भी निर्णय लेना हो अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो किस प्रकार से निर्णय ले सकेगा, तो उसे पढ़ने लिखने की योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वह सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऑलरेडी किसी लाभ के पद पर होगा तो वह वोट निर्वाचन जो नगर पालिका के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें उम्मीदवार के पद पर वो खड़ा नहीं हो सकता। वह गोली पागल दिवालिया या अपराधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो वह नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता, और ना ही उम्मीदवार के लिए जो उसके वार्ड पंच बनते हैं उसमें अपना नाम से इलेक्शन में आ सकता। अगर ऐसे व्यक्ति भी आपको अगर वह समाज में दिखाई देते हैं तो उनको अपराधी तो फिर भी हैं, लेकिन अगर कोड़ी पागल वाले हैं तो उनके मतों को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सारे जो शर्तें हैं वो हमारे नगर पालिका के सदस्य के अंतर्गत होने चाहिए जो उस पद हेतु के इलेक्शन में होना है नगर पालिका के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि नगर पालिका हमारे लिए क्या क्या काम करती है। अब वो कौन कौन से काम हैं जो नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं नगर को लेकर के, नगर के विकास के संबंध में या उसके जो भी फाइनेंस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं उसके उसके आधार पर वह कैसे अपने नगर का विकास कर सकती है, तो उसके लिए अब आते हैं नगर पालिका का है के कार्य। नगर पालिका के कार्य, अब नगर पालिका के जो कार्य हैं इस नगर पालिका के कार्य के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है वह है कि वह प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करती है जो उसके एरिए के अंतर्गत होती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, तो ये नगर पालिका का फर्स्ट टास्क है कि वह अपने एरिए या अपने नगर में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करती है। सेकंड जो इसका टास्क है वह है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना
करना। तो अपने एरिया के अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उन स्कूलों की स्थापना करने का काम भी नगर पालिका का होता है। थर्ड इसका जो टास्क है जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना करना। जो प्राथमिक विद्यालय के बाद जूनियर हाई स्कूल्स होती हैं उनकी भी स्थापना करने का काम नगर पालिका का होता है। नेक्स्ट इसका अंतर आता है सार्वजनिक स्थानों और सड़कों की साफ सफाई करना। तो जो अपने नगर एरिया के अंदर जो भी सार्वजनिक स्थान है और सड़कें हैं उनकी साफ सफाई करने का काम भी हमारे इस नगर पालिका का है। साथ ही नगर की स्वच्छता के लिए स्वच्छता हेतु नियम बनाना। तो ये काम में क्या है कि अपने नगर के अंदर किस प्रकार से साफ सफाई रखी जा सके, लोगों को किस प्रकार से उनके नियम बना करके उन्हें अवेयर करना है। क्योंकि तो नियम बना तो दिए जाते हैं लेकिन आम जनता उसे स्वीकार नहीं करती या उसे एक्सेप्ट करके उसको फॉलो नहीं करती। तो उसके लिए भी अवेयरनेस करना, स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ के अंदर वो बताना, ये सभी काम नगर पालिका का ही होता है। फिर नेक्स्ट स्वास्थ्य हेतु चिकित्सालयों की स्थापना। फिर हमारे एरिया में हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा या कहाँ से इनॉग्रेट करना है, तो ये भी काम क्या है नगर पालिका का ही होता है। अब ये सारे काम क्या करेंगे, और भी काम टास्क है इसके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। तो मैं दो पॉइंट्स को मिटा के आगे लेके जाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना कि अपने एरिया के अंदर कहाँ कहाँ जो एनजीओस वगैरह है वो भी अपनी तरफ से सड़कों के चौराहे पर आपने देखा होगा या कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पेयजल की समस्या होगी तो वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना नगर पालिका का कार्य है। ऐसे स्थानों पर ये पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों के लिए रोकथाम के लिए ये टीके
ये भी हमारी नगर पालिका का ही काम है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैल चुकी है और इससे कई लगभग सभी व्यक्ति प्रभावित भी हैं। और इसके जो वैक्सीन है अभी यूएसए, रूस, ब्रिटेन इत्यादि में लग गई और इसकी पहली खेप भी अगर कहें तो वो भारत में भी आ चुकी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसको श्रीनगर पालिका स्तर पर लगवाने का काम भी किया जाएगा। तो ये भी काम हमारे नगर पालिका का है। जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, तो अपने एरिया के व्यक्ति हैं जो पैदा हो रहे हैं तो जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, यानी जो जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये सब इसी के द्वारा ही जारी किए जाते हैं अपने अपने नगर से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं। फिर नेक्स्ट है नगर पालिका के अंदर भवन बनाने की अनुमति प्रदान करना, क्योंकि नगर पालिका जो अपना एरिया होता है जिसमें नगर पालिका बनाई गई है, जो गवर्नमेंट के सरकारी होता है उसमें भी कहाँ कहाँ भवन बनाने हैं इसका कार्य भी नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि नगर में सड़कों के किनारे नगर में सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, ये कार्य भी क्या है नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता है अपने नगर से संबंधित। फिर आता है मंडी और बाजार की व्यवस्था करना, मंडी और बाजार की व्यवस्था करना, तो ये कार्य भी क्या है नगर पालिका के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट जो टास्क है इसका कि बीमारी फैलने पर, जैसे महामारी फैल रही है, बीमारी फैलने पर टीकाकरण अभियान चलाना, टीकाकरण अभियान अभियान चलाना, तो ये व्यवस्था भी नगर पालिका का ही कार्य है। जैसे अभी पोलियो अभियान चलता है, तो पोलियो अभियान तो समय समय पर ये चल रहा है उसकी भी, और अब कोरोना की जो वैक्सीन आएगी उसको लगाने के संबंध में भी जो काम है ये सारे कार्य भी इसी के द्वारा ही किए जाते हैं।
बगीचे एवं मनोरंजन की रंजन की व्यवस्था करना। तो विद्यालय के बारे में आपने अभी फर्स्ट सेकंड पॉइंट में देख लिया था। अब स्कूलों के बाद जो बगीचे हैं जो सार्वजनिक लेवल पर अपने पार्क बनाए जाते हैं, तो उन पार्कों की व्यवस्था और मनोरंजन के लिए जो भी गेम दिखाने के लिए आते हैं या सर्कस वगैरह लगते हैं या कोई ऐसे मेले वगैरह प्रदर्शनी वगैरह लगते हैं जिसमें मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं, उन सब के लिए स्वीकृति पहले नगर पालिका से लेनी पड़ती है। उसके बाद ही उस नगर के अंदर उन लोगों को उस कार्य को करने की अनुमति देने का काम भी इसी का होता है। फिर लास्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम लॉकडाउन वापस लग चुका है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं।
तो आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो आवश्यक होने पर ही अगर आपको घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलते समय फेस पे सदा मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से बार बार अच्छी तरह से 1 या 2 20 सेकेंड तक उसे मसाज करते हुए धोते भी धोना है, और लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना कंपलसरी है। इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप जितने जो आपके व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हाइक है, फेसबुक है, इस पर आप कोरोना वायरस के एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है उसके पोस्टर बना करके भी लोगों को शेयर करके अवेयर करने का काम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।